Today, student, we have to know about text property, that how can we place the text in our web page. कैसे हम वेब पेज पे टेक्स्ट को अलाइन करते हैं ये समझेंगे. तो इसके लिए था एक प्रॉपर्टी आपको टेक्स्ट अलाइन. तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में आपको लेफ्ट या राइट जहां भी आपको लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट एच वन में डाला टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दो. और इसमें H2 में हो गया आपको टेक्स्ट अलाइन में राइट डाल देते हैं इसमें. इसी को कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, यहां पे हमने H1 में टेक्स्ट अलाइन सेंटर डाला और यहाँ H2 में टेक्स्ट अलाइन राइट डाल देते हैं. R I G S, ठीक है, दो टेक्स्ट अलाइन का यूज हम कर रहे हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और टेक्स्ट अलाइन राइट. अब इसको सेव कर दो. सेव कर दिया, अब इसको रन करते हैं. तो देखते हैं कि टेक्स्ट जो है सो वो कहां पे प्लेस होता है. अभी तो बीच में ही है. टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो स्टूडेंट हमें टेक्स्ट अलाइन यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. तो H1 ये इनलाइन यूज करना है, H1 स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ H2 स्टाइल टेक्स्ट अलाइन राइट. यदि हमें राइट में रखना है तो राइट, और सेंटर में रखना है तो सेंटर. और एक और होता है आपको टेक्स्ट अलाइन, वो होता है जस्टिफाई. तो जस्टिफाई भी हम करके देख लेते हैं. दूसरा स्टाइल में जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं जस्टिफाई. ओके, जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई कर दिया. अब इसको क्लोज करते हैं और इसको रन करते हैं. ठीक है, जस्टिफाई में इधर आ रहा है. ये होता है आपको, तीन होता है, सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई, ठीक है ना. तो जस्टिफाई हम क्या देख रहे हैं, ये लेफ्ट में आ रहा है. ओके, तो ये हो गया आपको अलाइनमेंट. ठीक है, अलाइनमेंट सबको समझ में आ गया. टेक्स्ट अलाइनमेंट समझ में आ गया सबको, कैसे यूज करते हैं. यस सर. ओके, अब हम करते हैं टेक्स्ट, दूसरा प्रॉपर्टी है इसका, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी. ये जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किस लिए यूज करते हैं,
तो अपर केस के लिए यदि हमें अपर केस में कुछ लिखना है तो इसके लिए हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके इसका जो प्रॉपर्टी है वो है आपको अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, फिर सेमी कॉलोन और यहां पर लिख देते हैं हम अपर केस, ठीक है ना, अपर केस। और इसमें लिख देते हैं, इसी को कॉपी करके लिख लेते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, यहां पे हम लिख देते हैं लोअर केस, ठीक है, अपर केस और लोअर केस का हमने यहां पे यूज किया, ठीक है। अब सेव कर दो इसको, सेव कर दो और फिर इसको रन कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है इसका अंतर। अपर केस में अब क्या आ रहा है, ये सारे जो लेटर आप देख रहे हो ये अपर केस में आ रहा है, यहाँ जो लिखा है मॉडल पब्लिक स्कूल, ये सारे किस में आ रहा है, अपर केस में, और यहाँ पर जो लिखा हुआ ये सारे लोअर केस में आ रहा है, ओके। अब कैपिटलाइज का भी देख लेते हैं, कैपिटलाइज में क्या होता है, तो जब हम टेक्स्ट करने का मतलब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज रखते हैं तब क्या होता है, तो इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लोअर केस की जगह पे हम लिख देते हैं कैपिटलाइज, या अपर केस में ही लिख दो, अपर केस में लिख दो यहाँ पे कैपिटलाइज, ठीक है, कैपिटलाइज लिख दिया इसका, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हमने कैपिटलाइज रखा। अब इसमें क्या डिफरेंस है तो ये देखेंगे, अब यहां पे ये हो रहा है कि हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आ रहा है, ठीक है ना। अपर केस में क्या होता है, तो सारे लेटर कैपिटल में आता है, अपर केस में सारे लेटर आपको कैपिटल में आएगा, ठीक है। लोअर केस में सारे लेटर जैसे इसमें है सारे लेटर स्मॉल में आएगा, और कैपिटलाइज में क्या होता है, तो जो फर्स्ट वर्ड है वो आपको फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में आता है, ओके। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया सबको? यस यस सर। ओके यस सर। अब आपको बच गया टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी इसमें होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या सब होता है, तो अंडरलाइन होता है, ओवरलाइन होता है और लाइन थ्रू होता है, ठीक है। जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन या अंडरलाइन करके देखते हैं इसमें, तो इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हटा देते हैं, तो बड़ा हो जाएगा ये, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या लिखना है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में हम लिखते हैं अंडरलाइन, अंडरलाइन
ठीक है, और इसमें डाल देते हैं हम टेक्स्ट डेकोरेशन में ओवरलाइन, यहां पे हम डाल देते हैं ओवरलाइन। ठीक है ना, एक में हमने डाला टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन और एक में हमने डाला टेक्स्ट डेकोरेशन में ओवरलाइन। अब इसको सेव कर लो, सेव करने के बाद अब इसको रन करते हैं। ठीक है, ओवरलाइन में क्या होता है, जो लाइन है उसके ऊपर में लाइन ड्रॉ हो जाता है, जो आपने लिखा है ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर में लाइन ड्रॉ हो जाता है, और अंडरलाइन में क्या होता है, तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसके नीचे अंडरलाइन हो जाता है। ओके, समझ में आ गया ओवरलाइन और अंडरलाइन? टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया आप लोगों को? अब आपको टेक्स्ट शैडो, अब आपको लास्ट चीज में बता रहा हूँ आज, टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो में क्या होता है ये करके देखते हैं। तो टेक्स्ट शैडो 3px और 3px 5px जो भी आपको रखना चाहो आप रख सकते हो, और रेड। टेक्स्ट शैडो इसको क्लोज कर देते हैं, और यहां पे आपको इसमें लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन में, टेक्स्ट डेकोरेशन को अब हटा देते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो और फिर इसमें 3px 3px 5px रेड, ये पिक्सल हो गया 3px 3px हो गया, फिर उसके बाद 3px 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 5px और किस कलर में शेडो चाहिए तो वो हम डाल देते हैं इसमें रेड। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसको डिलीट करके यहीं पे डाल देते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट शेडो का कलर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं ग्रीन। ओके, अब इसको रन करना है। पहले सेव करके और फिर इसको रन करते हैं। ठीक है, आ रहा है शेडो, देखो इसमें रेड का शेडो आ रहा है, आ रहा है ना, जो आपके बुक में पेज नंबर 77 पे है, आ रहा है ना इसमें शेडो रेड का, और इसमें किसका शेडो आ रहा है, ग्रीन का शेडो आ रहा है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया सबको? तो समझ में आ गया सबको? ये था आपको टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी था। ओके, अब नेक्स्ट डे करेंगे आपको आगे। ओके, नाउ योर क्लास इज ओवर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।